भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने किसानों के लिए अपनी मौसम सलाह सेवा में बदलाव की योजना बनाई है। विभाग मॉनसून के आगमन और प्रगति के आधार पर अपनी सलाह सेवा को हर जिले के अलग अलग फसल वर्ष से जोड़ने जा रहा है। इस सलाह सेवा के तहत उस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं और बारिश के आधार पर ये सूचना भी मुहैया कराई जाएगी कि कौन सी फसल बोई जानी चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक मौसम विभाग की ग्रामीण कृषि मौसम सेवा यानी कि GKMS के तहत संशोधित सलाह आगामी खरीफ सीजन में शुरू हो सकती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पहले से ही परिवर्तनशील फसल वर्ष का मॉडल तैयार कर चुका है। इंस्टीट्यूट ने इसे 2015 में देश के 22 राज्यों के 25 जिलों के लिए तैयार किया था। ये मॉडल 30 साल के फील्ड परीक्षण के नतीजों का इस्तेमाल कर तैयार किया गया है। ये मॉडल चावल, गेहूँ, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, सरसों और कपास के लिए तैयार किया गया है। इसमें ये भी निर्देश दिए जाएंगे कि बागवानी और फूलों की खेती जैसे ऊंचे दामों वाली फसलों के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। देखा जाए तो देश में बारिश कृषि जलवायु क्षेत्र और जिलों में अलग अलग होती है। सूचना का प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो ये सुनिश्चित करने के लिए मौसम विभाग ने भारतीय डाक के साथ करार किया है, जिसमें कृषक परिवार के मोबाइल नंबर का डेटाबेस बनाया जाएगा। डाक विभाग सूचनाएं जुटाएगा और उसे एक साझा वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इन आंकड़ों का इस्तेमाल मौसम विभाग किसानों को सलाह भेजने में करेगा। फिलहाल ये सेवा मुफ्त में देने की योजना बनाई गई है। इन सलाह सेवाओं की प्रदर्शनी देश भर के डाकघरों में की जाएगी।